तो हेलो वेलकम मैसे ऑफिस सब सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस इंटरव्यू में। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कल के दिन है 11 मई और 11 मई को आप लोगों को 1.4.0 का अपडेट मिलने वाला है पबजी मोबाइल के अंदर। मैंने सभी के ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ कि कल के दिन आप लोगों को जो 11 मई को पबजी मोबाइल का अपडेट मिल रहा है उसको आप लोग कैसे इजिली इधर कर सकते हो। इधर काफी सारे लोग हैं जो कि अपना पूरा का पूरा डाटा वेस्ट कर देते हैं इधर उधर से अपडेट करने के चक्कर में, एंड साथ ही साथ जब वो अपडेट भी कर लेते हैं तो ऐसे में उनको रिस्ट्रिक्ट एरिया वाली प्रॉब्लम भी आती है और साथ ही साथ उनको इन गेम काफी सारे एरर कोड को भी फेस करना पड़ता है। तो अभी के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा सिक्योर तरीका बताऊंगा जहां से आपका डाटा भी सेफ रहेगा एंड आप लोग इजिली जो मेरे को उधर अपडेट भी कर पाओगे। तो अभी इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना और अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते वीडियो को स्किप कर देते तो ऐसे में कल के दिन जैसे ही आप लोग अपडेट करो तो आप लोगों को दिक्कत आए तो फिर मेरे को मत बोलना। तो चलिए अभी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जब से पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर में बैन हुआ है तो हम लोगों को पबजी मोबाइल जो है वो प्ले स्टोर पर देखने के लिए नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं कि कहीं पर भी पबजी मोबाइल मिल जाए एंड हम लोग उसको अपडेट कर सके। तो अभी जो हमारे पास में सबसे पहला तरीका निकल कर आता है पबजी मोबाइल को अपडेट करने का तो वो होता है हमारा थर्ड पार्टी एप्स, जैसे कि आप लोग जानते हो एपीके प्योर हो गई या फिर आप लोग की अप टू डाउन हो गई या फिर आप लोगों की टैप टैप हो गई, इस तरह की आप लोग काफी सारी ऐप जो है मार्केट में मिल जाती है जिनकी वजह से आप लोग जाकर के पबजी मोबाइल को अपडेट कर लेते हो। लेकिन उन सभी ऐप से अपडेट करने पर आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट एरिया वाली या फिर काफी सारे एरर कोड आप लोगों के सामने नजर आते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग करते हो ऐसे में आप लोगों को गेम को अपडेट करते टाइम आप लोगों का काफी ज्यादा डाटा भी वेस्ट हो जाता है एंड जितने लोग वाईफाई पे हैं वो ये चीज समझते हैं कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जितने भी लोग इधर डाटा यूज करते हैं तो वो सभी लोग जानते हैं काफी मतलब काफी ज्यादा जो है इधर वेट भी करना पड़ता है साथ ही साथ डाटा भी वेस्ट हो जाता है और उसके बाद में भी हमारा गेम नहीं चलता है। तो ऐसे में जो सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया तरीका है पबजी मोबाइल को अपडेट करने का वो है उनकी वेबसाइट। और जो पबजी मोबाइल की वेबसाइट है वो बेसिकली थोड़े टाइम बाद अपडेट होती है, यानी कि प्ले स्टोर पर पबजी मोबाइल पहले आ जाता है अपडेट उसका, लेकिन जो उनकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर में अपडेट आने में 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन इधर जो हमारी वेबसाइट होती है वो एकदम ट्रस्टेड होती है, अगर आप लोग वहां से ऑफिशियल जगह से डाउनलोड कर रहे हो तो ऐसे में आप लोगों को पबजी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो वेबसाइट से कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि वेबसाइट के ऊपर में अपडेट आ चुका है। तो बेसिकली कल के दिन जैसे ही पबजी मोबाइल के अंदर अपडेट आएगा तो ऐसे में आप लोग क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को वीपीएन से कनेक्ट करना है क्योंकि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन है तो ऐसे में उनकी वेबसाइट भी ओपन नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले वीपीएन से कनेक्ट होना, उसके बाद आप लोग कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर के अंदर आप लोगों को लिखना है पबजी मोबाइल। जैसे आप लोग ये चीज सर्च करोगे सबसे पहली वाली लिंक यानी कि पबजी मोबाइल ऑफिशियल होम करके जो ये वाली है इस पर आप लोग क्लिक करना है एंड आप लोगों के सामने इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग उधर जैसी वेबसाइट पर आओगे तो आप लोग उधर डाउनलोड के बटन मिल जाएंगे और कैसे आप लोग सिंपली इन बटन के ऊपर में क्लिक करके पबजी मोबाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने इधर क्लिक करा तो आप लोग उधर देख सकते हो डाउनलोड होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, नीचे की तरफ आप लोग को नजर आता होगा एंड जैसे आप लोग इधर क्लिक करोगे अब इधर कल ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर पबजी मोबाइल में 1.4 का अपडेट आ जाएगा तो इधर जो इसका टाइटल है पबजी मोबाइल ग्लोबल 1.3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों को पबजी मोबाइल ग्लोबल 1.4 नजर आएगा और जब आप लोगों को 1.4 नजर आएगा तभी आप लोग अपडेट करना, लेकिन अगर आप लोगों को 1.3 नजर आ रहा है तो ऐसे में आप लोग अपडेट मत करना। साथ ही साथ जैसे ही अपडेट आएगा तो ये वेबसाइट के ऊपर में जितने भी पुराने वाले 1.3 के बैनर हैं सारे के सारे हट जाएंगे एंड इधर आप लोगों को गॉडजिला वाले सारे के सारे बैनर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोगों को वेबसाइट पर से अपडेट करने के लिए दो ही चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लोगों का जो ये वर्जन का जो टाइटल है जैसे ही आप लोग इसको डाउनलोड करोगे तो इसका टाइटल जो है 1.4 वाला होना चाहिए, 1.3 वाला नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे ही वेबसाइट के ऊपर में बैनर वगैरह अपडेट हो जाएंगे तो ऐसे में आप लोग समझ जाना कि 1.4 का अपडेट फाइनली इधर रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए गाइस अभी के ये वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतना ही, मुझे तो वेबसाइट ही सबसे ज्यादा सिक्योर लगती है पबजी मोबाइल को अपडेट करने के लिए और बाकी इधर जैसे ही 1.4 का अपडेट जैसे ही आ जाएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा आप लोग कैसे और कहां से सबसे पहले अपडेट कर सकते हो। और कल अपडेट जितने भी बजाएगा सुबह आएगा, दोपहर में आएगा, शाम में आएगा, जब कभी भी आएगा सबसे पहले आप लोगों के पास में वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वो वाली वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख करके पबजी मोबाइल को अपडेट कर पाओ। तो चलिए गाइस अभी के ये वाले वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों से शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे एक बड़े सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।